नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GPN24। नाबालिग लड़की के प्राइवेट पार्ट में उंगली डालने वालों को बचाने में जुटी करारी पुलिस। बड़े बड़े मामलों को करारी पुलिस करती है दफन। जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और कौशाम्बी जनपद के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित है, लेकिन यह ढिंढोरा झूठा साबित हो रहा है। किशोरी के पिता ने पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी को लिखित शिकायत पत्र देकर बताया है कि नाबालिग लड़की की मां और गवाह को पुलिस ने थाने में बैठा लिया है, उसके बाद थाने के अंदर बंद कर दिया। सुलह समझौते के लिए बलपूर्वक दबाव बना रही है और आरोपी से सांठ काट कर आरोपी को बचाने तथा सुलह समझौते पर तुली हुई है। आखिर इतना बड़ा जुर्म करने वाला अपराधी को बख्शा जाए, यह कहां का न्याय है? ऐसा लग रहा है कि करारी थाना क्षेत्र में जिला कचहरी बंद होकर अब फैसला थाने में ही होगा। मैटर हमारा है, 6:30 बजे की बात है, हमारी लड़की सौदा लेने गई। हाँ। नट बुद्धे के दुकान, मतलब रहने वाला बथुई का है। हाँ। परचून की दुकान है, तो वो छेड़खानी किया, मतलब अंदर पकड़ के उसको अंगुली फंगुली किया। अच्छा, आपकी लड़की को अंदर पकड़ ले गए? हाँ, अंदर पकड़ लिया। अच्छा, उसको अंगुली फंगुली किया और जब किया तो चिल्लाने पे एक लड़का रंजीत देख लिया, उसको जब पकड़ने का किया तो अपने गांव भाग गया बथुई पे। अच्छा, बथुई भाग गया तो लड़का सबको बताया, सोल लगाया तो मतलब चौकी गए वहाँ। चौकी वहाँ गए तो वहाँ कार्रवाई जो कुछ किया वहाँ से भेज दिए कराली थाने। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GPN24। ये है Genesis Media Network और आप देख रहे हैं GPN24 News।